हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। एंड इस पूरी वीडियो में मैं आपके साथ 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। सो आई होप कि आप लोग रेडी हैं इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को मेरे साथ अटेम्प्ट करने के लिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे। एंड विद दिस वील स्टार्ट विद ऑल द क्वेश्चंस। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। No current flows between two charged bodies when connected if they have the same. So हमें बताना है कि अगर हम दो charged bodies को connect करते हैं so उसमें से कब ऐसा कब होगा जब उनके पास same dash होगा and उसमें कोई current flow नहीं करेगा। So ऑप्शन हैं कैपेसिटी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज टू पोटेंशियल रेशियो या पोटेंशियल। तो अगर आपने चैप्टर को ध्यान से स्टडी किया है तो इसमें जो आपको स्टार्टिंग में ही चीज़ बताई जाती है कि पोटेंशियल डिफरेंस की इम्पॉर्टेंस। अगर किसी चार्ज बॉडीज़ में हम पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं रखेंगे या उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा सो वहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। और कोई भी कंडीशन आप लगा लो बट अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट कभी फ्लो नहीं करेगा। सो इसलिए फर्स्ट का डी ऑप्शन पोटेंशियल इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। एंड ये सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इफ़ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज़ मेल्टेड एंड रीकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो हम एक वायर को ले रहे हैं जिसकी रेजिस्टेंस आर है और अगर उसको मेल्ट करें और उसको रीकास्ट करने के बाद उसकी लेंथ को हम हाफ करें तो उसकी न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी। सो अगर हम लेंथ को हाफ कर देंगे तो उसकी जो न्यू रेजिस्टेंस होगी दैट वुड बिकम आर बाई फोर। तो अगर आप इसको, ये पूरा एक न्यूमेरिकल होता है 3 मार्क्स का, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपके पास आंसर आर बाई फोर आएगा। सो आप ज़रूर इसको सॉल्व करना एंड इफ पॉसिबल तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसका पूरा सोल्यूशन 3 मार्क्स के फॉर्मेट में लिख कर दे सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अनइक्वल रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज़। तो हमने कुछ एन नंबर के रेजिस्टर्स को ले लिया जो इक्वल है, जिनकी रेजिस्टेंस इक्वल है, तो उनको हम पहले सीरीज़ में कनेक्ट करें एंड देन हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करें। तो फिर हमें बताना है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंसेज, तो इसकी रेशियो क्या बनेगी। सो द रेशियो वुड बिकम एन स्क्वेयर। तो अगेन ये एक न्यूमेरिकल है तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका सिंपली आपके पास आंसर एन स्क्वेयर आ जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स फोर्थ वन। सो फोर्थ है इफ़ आर वन एंड आर टू आर द रेजिस्टेंसेज ऑफ फिलामेंट्स ऑफ 400 वॉट एंड 200 वॉट लैम्प डिजाइन टू ऑपरेट ऑन द सेम वोल्टेज देन। तो अगर हम एक आर वन और आर टू रेजिस्टेंस के फिलामेंट्स को ले रहे हैं जिनकी जो पावर है दैट इज़ 400 वॉट एंड 200 वॉट लैम्प, तो और उनकी वोल्टेज बिल्कुल सेम है, देन हमें ये कंडीशंस को देखना है। सो इसका जो करेक्ट है दैट इज़ आर टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर वन। ठीक है, सो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मूव करते हैं फिफ्थ वन। इन अ सर्किट कंटेनिंग टू अनइक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन अ पैरेलल। तो अगर हम एक सर्किट में दो अनइक्वल रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ऑप्शंस हैं करंट इज सेम इन बोथ द रेजिस्टर्स, करंट इज लार्ज इन द लार्जर रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर्स, या फिर वोल्टेज ड्रॉप इज लार्जर अक्रॉस द लार्जर रेजिस्टेंस। तो जो ऑप्शन सी है दैट इज़ करेक्ट कि अगर हम पैरेलल में रखते हैं तो हमारा करंट डिफरेंट होता है एंड वोल्टेज सेम होती है बोथ द रेजिस्टर्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज़। तो ये एक कंडीशन है जिसमें हमें बताना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी क्या वो स्मॉलर होगी लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से, लार्जर होगी लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस या लार्जर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ बी, लार्जर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। तो जब उनका सम करेंगे तो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से भी उस कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो बड़ी होगी, जबकि ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सेवन्थ एक न्यूमेरिकल है तो हम इसका आंसर डिस्कस कर लेंगे, सो इजीली आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। हाउस इज फिटेड विद 5 ट्यूब्स ईच ऑफ 40 वॉट। इफ ऑल द ट्यूब्स आर लाइटेड फॉर 20 आवर्स एंड इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट इज रुपीज 0.50, द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड एज ₹20, ₹4, ₹5 या ₹28, तो इसका जो आंसर है दैट इज डी ₹28। नेक्स्ट है 8th वन, ऑफ द टू बल्ब्स इन अ हाउस वन ग्लोज ब्राइटर दैन द अदर, विच ऑफ दिस हैज़ द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ पर पावर एंड रेजिस्टेंस का अगर फॉर्मूला पता है तो आप वहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, एंड उससे आपको पता चलेगा कि जो ऑप्शन करेक्ट होगी दैट वुड बी ए द डिम बल्ब। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम ग्लो करेगा, एंड जितनी ज़्यादा जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पर। सो 9th क्वेश्चन इज, यू आर गिवन अ रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड अ बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। तो एक हमें दिए जा रहे बैटरी जिसकी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, और दूसरा हमें दिया जा रहा है एक रेजिस्टेंस वायर जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि किस केस में लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी। सो अगर आपको पता है दैट हीट का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से फॉर्मूला आता है दैट एच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के। सो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, कि अगर हम वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो, और उस 4 पार्ट्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, सो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी वो लार्जेस्ट होगी। सो मूव करते हैं 10th वन पर। यू आर गिवन 3 बल्ब्स ऑफ 25 वॉट, 40 वॉट एंड 60 वॉट मार्क्ड एट 220 वॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो ये भी काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए पार्ट 60 वॉट बल्ब। सो नेक्स्ट वन 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन इज, द प्रोडक्ट ऑफ अ वोल्ट एंड अ कूलम इज अ जूल, एंड सेकेंड ऑप्शन है द प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट एंड एम्पियर इज जूल पर सेकेंड, देन है द प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट एंड वॉट इज अ हॉर्स पावर, एंड फोर्थ है वॉट आर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ई वोल्ट। सो यहाँ पर जो आपकी ऑप्शन करेक्ट है दैट इज़ बी 1, 2 एंड 4, सो थर्ड ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 12th क्वेश्चन पर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज़ डबल्ड एंड द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट विल बी। सो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर रहे हैं सो यहाँ क्या चेंज आएगा जनरेशन ऑफ हीट में। सो जो जनरेशन ऑफ हीट होगी दैट वुड बिकम 4 times, तो अगर हम डबल करेंगे तो वो भी 4 times बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वॉट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ हीटर फिलामेंट। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होनी चाहिए एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये उसी टाइम मेल्ट हो जाएगा एंड आपका बहुत नुकसान भी हो जाएगा। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी एक हीटर फिलामेंट की रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना वो काम नहीं कर सकता। 14th क्वेश्चन है, टू वायर्स ऑफ द सेम मेटल हैव द सेम लेंथ बट क्रॉस सेक्शंस आर इन द रेशियो 3:1, दे आर जॉइंट इन सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज 10 ओम, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो ये नहीं काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो आपका आंसर ए 40 ओम्स आएगा। मूव करते हैं 15th पर। यू आर गिवन 3 इक्वल रेजिस्टर्स, हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम इन सीरीज एंड इन पैरेलल ग्रुपिंग। सो हमें 3 इक्वल रेजिस्टर्स दे रहे हैं, तो उन्होंने दिए हैं, तो उनको पूछा है कि अगर हम उनको सीरीज़ और पैरेलल की ग्रुपिंग में ज्वाइन कर देते हैं तो हमें कितनी रेजिस्टेंसेस मिलेंगी। सो क्या वो 2, 3, 4 या 6 रेजिस्टेंसेस मिलेंगी। सो हमें इस ग्रुपिंग से 3 इक्वल रेजिस्टर्स से 4 रेजिस्टेंसेस मिलेंगी। सो इस तरह से हमने 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है, एंड इन केस आपको कोई डाउट है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।